छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि भाजपा ने मुझे 15 साल तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी और आज विधानसभा अध्यक्ष के पद का निर्वहन कर रहा हूं। शिवराज चौहान भाजपा में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक बात योगी आदित्यनाथ की है तो उनके नेतृत्व पर पूरे उत्तर प्रदेश को अटूट विश्वास है, इसलिए अरविंद केजरीवाल भाजपा की चिंता छोड़कर अपने संगठन को देखें तो बेहतर होगा। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता सलाखों के पीछे हैं और आज तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। न्यायालय भी इनका समर्थन नहीं कर रहा है। केजरीवाल चुनाव को देखकर बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, जहां एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही हैं और जो भी दोषी होते हैं उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दंडित किया जा रहा है। केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करना चाहिए। योगी जी या डॉक्टर रमन या शिवराज जी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और पार्टी ने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया और आज विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। शिवराज जी लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे हैं और आगे बड़ा दायित्व उनको दिया जाएगा। जहां तक सवाल योगी का, तो योगी ने जो चमत्कार किया है उससे लोग डरते हैं योगी से, और उत्तर प्रदेश में उनको बदनाम नाम करने की कोशिश करते हैं, मगर यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। देश में मोदी जी 400 पार का जो बात है वो धरातल पे सच्चाई है। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार की बात अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जिस प्रकार छोटी सरकार बोल रहे हैं, मगर सवाल है भ्रष्टाचार तो बड़ा हुआ है। शराब के इतने बड़े मामले सामने आए हैं, ईडी ने प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है, उनके मंत्रियों के खिलाफ जो आरोप पत्र जारी किए गए, आज तक जमानत नहीं हो रही है, दो दो महीने तीन तीन महीने से न्यायालय भी इनको समर्थन नहीं कर रहा है। तो भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप प्रधानमंत्री के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाने से सही नहीं है, और मुझे लगता है कि न्यायालय के ऊपर भरोसा करना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया में है तो आगे जो भी होगा फैसला हो जाएगा। केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करना चाहिए। योगी जी या डॉक्टर रमन या शिवराज जी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और पार्टी ने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया और आज विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। शिवराज जी लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे हैं और आगे बड़ा दायित्व उनको दिया जाएगा। जहां तक सवाल योगी का, तो योगी ने जो चमत्कार किया है उससे लोग डरते हैं योगी से, और उत्तर प्रदेश में उनको बदनाम नाम करने की कोशिश करते हैं, मगर यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। देश में मोदी जी 400 पार का जो बात है वो धरातल पे सच्चाई है। ये जिस प्रकार ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है केजरीवाल को, जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये राजनीति को देख के चुनाव को देखकर आरोप लगाने की प्रक्रिया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून प्रधानमंत्री किसी को जेल नहीं भेजता। यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो ईडी उसके ऊपर कार्रवाई करती है, यदि और किसी शिकायत होती है तो सीबीआई उसकी जांच करती है। तो इस जांच की प्रक्रिया में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है, प्रधानमंत्री जी का कोई दिशा निर्देश नहीं रहता। अहंकार की बात भी नहीं है, और जहां तक सवाल ये है कि 2024 के चुनाव जो काम 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया, 80 करोड़ लोगों के लिए चावल की व्यवस्था की, शौचालय का निर्माण किया, उनके लिए 3-4 करोड़ से ज्यादा आवास का निर्माण हुआ, 50 करोड़ जनधन के खाते खोले गए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, किसान को हर साल 12,000 रुपये की राशि दी, 5 लाख तक आयुष्मान भारत योजना में उनके इलाज की व्यवस्था हुई, 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए अब नई योजना आई है जिसमें उन्हें 5 लाख तक के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। इतने बड़े बड़े काम 10 साल में कभी, आज तक हिंदुस्तान की राजनीति इतिहास में
ऐसा अवसर नहीं आया जो प्रधानमंत्री जी ने किया। देश की जनता उनके साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन के और बाकी लोगों के बोलने से ये दिखता है कि कांग्रेस हार से कितने निराश है। ये तो रिपोर्ट है, खुली रिपोर्ट है कि देश के अंदर पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं। उस चेंज को बताने का प्रयास हुआ है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। तो ये तो आंकड़े आंख खोलने वाले हैं, लोगों को यथार्थ दिखाने वाले हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जवानों का हौसला न केवल बुलंद है बल्कि संयुक्त कार्रवाई में DRG से लेकर सेंट्रल फोर्सेस मिलके जिस प्रकार लगातार बड़े अभियान चला रहे हैं और ये दूसरी और तीसरी सफलता मिली है, 12 नक्सलियों का सफाया मारने का काम। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी की का निर्णय कि नक्सली या तो सरेंडर करें या नक्सलियों को मरना पड़ेगा, तो ये बड़ी बात है। एक इच्छा शक्ति के साथ नक्सलियों के खिलाफ सरकार लड़ रही है।